वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ब्यूटीफुल सी ब्लैक वेलवेट फैब्रिक की ड्रेस आपके साथ शेयर करी है। ये मैंने बहुत ही प्यारी सी अम्ब्रेला फ्रॉक आपके लिए बनाई है। इसमें मैंने मिरर वर्क भी किया है और ब्यूटीफुल से डायमंड बटन भी मेरे पास थे, वो भी मैंने लगाए हैं। ठीक है, आपको जैसा आपको अच्छा लगे, आपको सिंपल पसंद है आप सिंपल भी बना सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी मिरर वर्क की वेरिएशन की है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना लें। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2.5 मीटर वेलवेट ब्लैक वेलवेट फैब्रिक है। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ले लें, मैंने थोड़े छोटे फैब्रिक में ये बनाई है। अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर वाली चाहिए तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी 2 फोल्ड फैब्रिक है, आपने इसे ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से ये आपका फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 लेयर होगी, ओपन साइड मेरी साइड है और बंद साइड आपकी साइड है। ठीक है, अगर आपने इसमें फोल्ड कर ले, अब आपने यहाँ से जो भी आपकी वेस्ट का 4 पार्ट है आपने उसको 4 पार्ट करके इसमें 1 इंच प्लस करना है। यहाँ पे मेरी 9.5 इंच का 4 पार्ट था और 1 इंच मैंने इसमें प्लस किया है। अब यहाँ से आपने इस तरीके से मार्क करते जाना और लगाना है। यहाँ पे मैंने 9.5 इंच ही लिया है क्योंकि ये जब कट करते ना तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। आप इसकी लेंथ में थोड़ा सा मार्जिन ले लें, जैसे हम मेरी 30 इंच लेंथ थी, मैंने इसमें 33 इंच की लेंथ ली है। 33 इंच प्लस कर दिया, 1.5 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा और 1.5 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगा। अगर किसी वजह से मेरा ऊपर से ये छोटा होता तो मैं ऊपर से कट कर सकती हूँ। आप भी इसी तरीके से करें तो आपका ये नीचे लटकी की बनी। बहुत से लोगों की मेरे पास शिकायत आती है कि उनकी अम्ब्रेला फ्रॉक बीच में से लटकती है, तो आप कम मार्जिन से कट करेंगे और फिर बाद में आप मार्जिन उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लेंथ में आपने ज़रूर प्लस करना है। ये नहीं कि आपने लेंथ फुल एकदम रखनी है फिर आपका ये छोटा हो जाएगा, तो आप नीचे प्लस कर दें लेंथ में, और अगर किसी वजह से आपका ऊपर कट थोड़ा छोटा होता है तो आप उसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसे कट कर दिया है। आपको कटिंग इस तरीके से करनी है। ये आपको इसको टोटल जो भी हमारा ये फ्लेयर आया था वो मैं आपको फ्लेयर बता रही हूँ। इसमें 3 मीटर का फ्लेयर आया था, बहुत अच्छा फ्लेयर आ गया था। कम फैब्रिक में 3 मीटर का फ्लेयर आ गया था, 3.5 मीटर मान लें। ये इस तरीके से कटोगी। अब जो हमारा नीचे का हमने बॉडी करनी, क्योंकि हमने नीचे का फ्लेयर पहले कट किया था, क्योंकि 2.5 मीटर फैब्रिक था, अगर हम पहले से बॉडी की कटिंग कर लेते तो फ्लेयर नहीं आ पाता। ठीक है, अभी इसने आपने 4 फोल्ड करना है। अब आपने इसमें बॉडी का मार्क करना है। पहले आपने 14 इंच पे मार्क करके 1 इंच प्लस करना है, यानी टोटल 15 इंच की लेंथ हमने रखनी है। बॉडी की लेंथ हमारी 15 इंच रखनी है 1 इंच प्लस करके। अब यहाँ पर आपने 14 इंच की वो 15 इंच पर मार्क करके आप एक स्ट्रेट लाइन कर दें। अब यहाँ पे आपने ये शोल्डर की विड्थ रखनी है। जो हमारी शोल्डर विड्थ है वो 7 इंच है। ये स्टैंडर्ड साइज रहती, सब पे आ जाती, थोड़े हेल्दी साइज पे नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे आपने आर्म होल की लेंथ भी 7 इंच रखनी है। ठीक है, अब इस पर आपने मार्क करना है। फिर हमारी बॉडी की लेंथ 14 इंच है, वो भी आपने मार्क करनी है। अब इन्हें सारी लाइन को आपने स्ट्रेट करना है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। अब यहाँ से आपने ऊपर हमने 7 इंच लिया था, तो नीचे 6.5 इंच पे मार्क करके अब यहाँ पे जो भी हमारी चेस्ट का 4 पार्ट है उसका चेस्ट का 4 पार्ट करके 1.5 इंच प्लस करना है, यानी 1.5 इंच प्लस करना है। सेम नीचे भी आपने यही करना है, चेस्ट का वेस्ट का 4 पार्ट लेके 1 इंच प्लस करना है। इस तरीके से कट कर दें। अब आप इसे यहाँ से शोल्डर डाउन आपने 1.5 इंच करना है और अंदर की मार्किंग करनी है। शोल्डर की अंदर की पहले मार्किंग करनी है, यानी फ्रंट की मार्किंग करनी है, फिर हमने बैक की मार्किंग करनी है। कटिंग हमारी पहले बैक की मार्किंग पे होगी, फिर हमने बैक पार्ट निकाल के फिर अंदर की कटिंग जो हमारी फ्रंट पार्ट की है वो हमने कट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट कट हो चुके, फ्रंट और बैक दोनों। अब यहाँ पे हमने स्लीव के लिए 3 इंच डाउन करना है। जो भी आपकी चेस्ट का 4 पार्ट आता है उस पर 1 इंच प्लस करके आपने स्लीव को फोल्ड करना है, फिर यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। 3 इंच पर मार करके आपने राउंड शेप देनी है। 22 इंच की हमारी लेंथ थी और 7 इंच की नीचे की बॉटम थी, ये यहाँ पर कट हो गई है। अब यहाँ पर ये इसकी स्लीव की कटिंग और बॉडी की कटिंग और फिर ये हमारी फ्लेयर की कटिंग, ये तीनों चीज़ें कट होगी। अब हम चलते हैं इसे स्टिच करने। यहाँ पे हमारा ये नेक जो फ्रंट का नेक रहेगा वो 6.5 की इसकी विड्थ चौड़ाई रहेगी, यानी चौड़ाई जो हमारी विड्थ है वो 6.5 रहेगी, 6.5 इंच, और इसकी लेंथ भी लंबाई जो है वो भी हमारी 6.5 इंच रहेगी। ठीक है, छोटा नेक मैं पहनती हूँ इसलिए मुझे छोटा, अगर आपको बड़ा पसंद है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें बीच हमने सेंटर पॉइंट का नोच करना है और उसके बाद आपने सेंटर पॉइंट की स्टिच करके इस तरीके से नेक की स्टिचिंग करनी, तीनों तरफ से आप इसे स्टिच कर। हमारे छोटे छोटे से नोचिस कर ले और उसके बाद इसे टर्न कर ले। अब यहाँ पे आपने रनिंग स्टिच करनी है और फिर बाद में हमने इसमें तुरपाई लगानी, यानी हैंड स्टिच कर देनी है। अब यहाँ से आप इसे रनिंग स्टिच कर दें।
और रेडी हो जाने के बाद आप इसमें तुरपाई कर लें, ठीक है। अब यहाँ से हमने बैक की मार्किंग करनी, बैक के नेक की। मेरे को बैक नेक थोड़ा छोटा पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा रखती हूँ। अगर आपको बड़ा पसंद है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करके और एक राउंड शेप लगानी है, ठीक है। आपने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पर रख के इस तरीके से मार्क करें और 1/2 इंच साइड से छोड़ दें, ऐसे मार्क कर लें और आपका बैक का नेक अच्छा कटेगा और अच्छे से आएगा। यहाँ से हमने शोल्डर ज्वाइन करने और दूसरा साइड, दूसरा शोल्डर भी हमने इसी तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे स्लीव ज्वाइन करनी है, स्लीव का भी हमने सेंटर पॉइंट से सेंटर पे नोच लगा के और सेंटर की जो हमारी शोल्डर की स्टिच है उसी स्टिच पर रख के आपने ऐसे इसे स्टिच कर देना है दोनों साइड से। पहले आपने फ्रंट पे स्टिच करना है, फिर आपने बैक पे स्टिच करना है। इसी तरीके से आपने दूसरी वाली स्लीव भी ज्वाइन करनी है, जिस तरीके से मैंने ये वाली स्लीव ज्वाइन करी। अगर आपको नींद पे आपने ऐसे इस तरीके से हमारी स्लीव की जो बॉटम है वो आपने इसको स्टिच करनी है। यहाँ से हमारा जो रिस्ट पॉइंट है वहाँ पे वो हमने 5.5 इंच लिया है। आपको जो भी पसंद है, आपकी जितनी भी आपकी जो हो चौड़ाई हो रिस्ट की, वो आप ले सकते हैं। मुझे 5.5 इंच चाहिए थी, मैंने 5.5 इंच लिया। अब यहाँ से हमने फिटिंग की मार्किंग भी कर लिया और फिटिंग की स्टिच कर देनी है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पर भी स्टिच करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे जो हमारा फ्लेयर है उस पर हमने अब उस पर भी स्टिच करने हैं। तो वहाँ से जो हमने सेंटर पॉइंट लिया, तो सेंटर पॉइंट से हमने 9.5 इंच पे मार्क किया और मार्क से हमने ये नीचे सिलाई करनी है। आप भी इसी तरीके से करें, सेंटर पॉइंट लें, सेंटर पॉइंट से जो भी आपकी वेस्ट है उसका हाफ करके, एक हाफ इस साइड से, एक हाफ इस साइड से करके आपने स्टिच करनी है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों साइड से आपकी स्टिच हो गई है। अब हमने हमारी जो बॉडी का वो हमने रॉन्ग साइड पर रखी हुई और इसको राइट कर लिया है। अब दोनों की राइट साइड मिलाते हुए आपने इसे अंदर इस तरीके से करना है और जो भी हमारी सेंटर पॉइंट है उन सेंटर पॉइंट को मिलाना है और फिर जो स्टिच का हमने सिलाई की थी वो दोनों सिलाइयाँ साइडों से मिला के और सेंटर पॉइंट मिला के आपने स्टिच करनी है। अगर आप पिन लगाना चाहते हैं तो आप पिन भी लगा दें, वैसे ये ऐसे भी आराम से लग सकती है। ये इस तरीके से ये इसकी स्टिच हो गई है, ये मैं आपको दिखाते हुए। अभी ये बिल्कुल प्लेन है, बाद में हमने इसमें मिरर वर्क करना है। ये मिरर मैंने मीशो से बाय किए थे, बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे मुझे मिरर मिल गए थे। ये 1200 मिरर पीसेस है, 1200 मिरर के पीस मिले थे। हर मिरर की 2 वराइटीज़ मिली थी और बहुत ही अच्छी है, सबके अलग अलग शेप थी, बहुत ही ज़बरदस्त शेप आई थी। और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 104 रुपये के मिले थे, बहुत ही अच्छे और कम पैसों में बहुत ही अच्छे मिरर मिल गए थे। आप भी अगर जाएँ तो मीशो से बाय कर सकते हैं, ये 1200 पीसेस थे। अब इस तरीके से आपने वाइट पेंसिल से आउटलाइन करनी है। और दूसरी साइड भी आपने इसी तरीके से वाइट पेंसिल से आउटलाइन कर लें। फैब्रिक ग्लू में आपके पास होगा ही, और नहीं है तो आप इसे मार्केट से बाय कर लें। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू लगाया इस तरीके से, जिस तरीके से मुझे पसंद है वैसे मैंने लगा। अगर आपको कोई और भी डिज़ाइन पसंद हो तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। अब कोई ये डिज़ाइन भी बनने के बाद बहुत ज़बरदस्त लगेगा तो आप इस डिज़ाइन को भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये लीव वाले जो मिरर मेरे पास थे वो मैंने उसमें से ली, उसके 2 वराइटी थी, एक छोटी और एक बड़ी। ये बड़ी वाली थी, एक इससे छोटी भी है जो मैंने बीच में नीचे बॉडी जो हमारी है ना उसमें मैंने लगाई है। अब आपने इस तरीके से ऐसे ये पूरे नेक पे हमने राउंड पूरे उस पर लगाना है, ठीक है। नीचे आप जो जहाँ पे लगा रहे हैं ना, आपने नीचे अंदर कोई पेपर या कुछ भी कपड़ा वगैरह रख लेना है। ये इस तरीके से हमारा पूरा राउंड नेक बन गया। अब ये मेरे पास डायमंड बटन रखे थे, ये मैंने इस पर लगा दिए हैं। आपके पास अगर आप बटन लगाना चाहें तो आप बटन लगा सकते हैं, अगर सिंपल भी रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। आप इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगा दें, नीचे पेपर ज़रूर रखें ताकि दूसरी साइड हमारी ये जिसकी ग्लू है वो लगे ना।
छोटे छोटे से डॉट हमने फैब्रिक ग्लू के लगाने, और जो मेरे पास इसमें के हमने जो मिरर मंगाए थे उसी मिरर में राउंड शेप वाले मिरर वो आप इसमें लगा दें। और ऊपर मैंने इसमें जो हमारी इसकी लीफ वाले मिरर थे उसके छोटे वाले पीस लगा दिए थे। अगर आपका नॉर्मल रखने का दिल चाह रहा है आपका ऐसे खाली राउंड मिरर लगा के, तो आप राउंड मिरर भी लगा सकते हैं। आप स्टोन और या बीट वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके से छोटे वाले जो मिरर है ना, ये इस तरीके से मैंने लगाए थे। अब ये एक साइड मैंने लीफ वाले लगाए, एक साइड हमने वैसे रखे। अब आपको जो साइड अच्छी लगती है वैसी साइड लगा ले। ये मेरा फुल ऐसे फाइनल लुक इसका रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। आपको भी उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी शेयर करें, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।